हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जी एसएससी फॉर फिजिक्स। काफ़ी बच्चों का डाउट था भाई, सर एक टू सीओपी में फिर से बैक लग गई, क्या एक मौका मिलेगा सर, सर एक टू रिजल्ट अपडेट। तो वो सीओपी से जितना भी आपका डाउट है मैं सारा कुछ वीडियो में क्लियर कर दूंगा। मैं सबका मैसेज सीन कर लिया, जितना मुझे इंस्टाग्राम पे की सबको रिप्लाई भी कर दिया हूँ, फिर भी मैं सबको एक पर्सनली वीडियो में बता दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहले सीओपी में डाउट आ रहा था बच्चों का कि सर कि मुझे ग्रेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ बच्चे ग्रेस के कैटेगरी को, जो भी ग्रेस के क्राइटेरिया में आ रहा है, जो भी बच्चा ग्रेस के कैटेगरी को एलिजिबल है उन्हें ग्रेस मिलेगा। अभी उन्हें ग्रेस नहीं दिया गया। फॉर एग्जांपल, यदि आपका फर्स्ट सेम सेकंड सेम मिलाकर यदि आपका एक सब्जेक्ट में बैक लगा है, या फिर आपने कैरी पेपर देखे आपका तीन सब्जेक्ट में बैक था, आपने कैरी पेपर दिया, दो में आपका क्लियर हो गया, एक में आपका कैरी पेपर से क्लियर नहीं हुआ, तो सब्जेक्ट में ग्रेस दे देता है 82। ठीक है, मींस दो सेमेस्टर मिला के फर्स्ट सेम सेकंड सेम, मींस ईयर के हिसाब से 82 ग्रेस देता है। यदि आपका फर्स्ट सेम सेकंड सेम है, मतलब आपका एक ईयर हो गया, तो एक ईयर में आपका सिर्फ एक ही बैक होना चाहिए, वो बैक आपका 10 मार्क्स से 7 मार्क्स से होना चाहिए। अब 10 मार्क्स कब देता है, 7 मार्क्स कब देता है, डिपेंड करता है। ठीक है, 10 मार्क्स कब देता है, जब आपका पेपर 150 नंबर का होता है एक्सटर्नल इंटर मिला के, मींस 100 नंबर का आपका क्या होगा एक्सटर्नल होगा, 50 नंबर आपका इंटरनल होगा, 150 मार्क्स का हो गया, तब आपको 10 मार्क्स का ग्रेस मिलता है। जिनका 70 मार्क्स का होता है इंटरनल का 70 मार्क्स का होता है, इंटरनल कितना होता है उनका 30 का होता है, तो उन बच्चों को 1-7 मार्क्स का ग्रेस देता है, तो वो वेरी करता है, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। अरे आप ग्रेस के क्राइटेरिया में एलिजिबल हैं तो वो ग्रेस मिल जाएगा। ठीक है, तो सीओपी में काफ़ी बच्चे मुझे सेंड किए ग्रेस नहीं मिला है, आप 1 वीक का वेट कर लीजिएगा, आपका ग्रेस मिल जाएगा उसमें जिसको नहीं मिला है। ठीक, अपडेट हो जाता है, ग्रेस थोड़ा टाइम लेता है। नंबर सेकेंड, आपका कमेंट था कि सर मेरा सीओपी में बैक लगा दिया, क्या मुझे एक चांस मिलेगा? तो एक चांस अभी तक तो एक ड्यू ने कुछ नहीं कहा चांस देगा नहीं देगा। वो बच्चों का ईयर बैग भी लग रहा है यार, देखो उसका चिंता मत करो, ये तो बैक तो पालो बच्चों पढ़ोगे आपका, उसका नेक्स्ट सेम जैसे दोगे ना वो तो आपको बैक क्लियर करा दे करनी पड़ेगी, आपको बैक क्लियर कर दोगे आपका ईयर नहीं वेस्ट होगी, इतना देखे टू कर देगा, आपका ईयर नहीं वेस्ट होगा, आपको उसी के साथ उस बैक को क्लियर करना पड़ेगा। एक चांस की बात कर रहे हो, देखो अभी तक तो वैसे कोई बात नहीं चांस मिलेगा, ऐसा मेरे पास कोई अपडेट नहीं है कि सर बच्चों का चांस देगा, ऐसा कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, तो उस भ्रम में मत रहना कि 1-2 अलग से फिर से एग्जाम करा ले, तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता 1-2 फिर से एग्जाम कराएगा, ऑलरेडी उसके पास इतना लोड है यार, फिर से एग्जाम कराएगा, फिर से कॉपी चेक करेगा, मुझे नहीं लगता इतना उम्मीद है कि उससे नहीं है। नंबर सेकंड आपका था कि सर कैसा सीओपी में क्या हम चैलेंज का फॉर्म फिल कर सकते हैं? सर सीओपी में हम चैलेंज का फॉर्म फिल कर सकते हैं? नहीं, अभी तक तो एक टूट ने ऐसा कभी नहीं किया सीओपी में आप चैलेंज का फॉर्म फिल करें। चैलेंज का फॉर्म तभी फिल कर सकते हो जब आप रेगुलर में एग्जाम दे रहे हो, और आप किसी भी एग्जाम को रेगुलर अपना एग्जाम दे रहे हो और उस एग्जाम में आपका बैक लगी हो, तभी आप उसमें फॉर्म चैलेंज का फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सीओपी से रिलेटेड इतने एक और डाउट था सीओपी का बच्चों का कि सर मैंने सपोज मैंने किसी सब्जेक्ट का सीओपी का रिजल्ट दिया, उसमें सर मेरा बैक है, पर अदर सब्जेक्ट भी सर उसमें भी मेरा बैक लगा दिया है, उसका मैंने एग्जाम भी नहीं दिया है, तो भाई ये सब जल्दीबाजी से होता है। ठीक है, जब आप इतना लेट रिजल्ट कर दें जारी करने में, फिर ऊपर से आपके इतना प्रेशर लगा, ऊपर से बड़े बड़े अट्ठाई आपसे प्रेशर डालते हैं, तब ये चीज़ होती है। फिलहाल जिस सब्जेक्ट का पेपर नहीं दिए थे उसमें भी बैक लगा दिया है, तो उस चीज़ को चिंता मत करना। 1 वीक या 2 वीक वो टाइम लगेगा, 1-2 इतना जल्दी काम नहीं कर, हर काम डिले कर रहा है। 1 वीक या 2 वीक तक पेशेंस रखना, उस सब्जेक्ट में बैक क्लियर आपका हो जाएगा, बिकॉज उसमें बैक आपका था नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ सभी बच्चों से, जितने बच्चे देख रहे हो ना, अपने रिजल्ट का हमेशा आपके पास पीडीएफ होना चाहिए, रिजल्ट का पीडीएफ हमेशा रखो अपने फ़ोन में यार, पता नहीं कब क्या हो जाए। एक बच्चा था, उसके साथ क्या किया था, बी फार्मा का स्टूडेंट था, उसका 2 सब्जेक्ट में बैक लगा दिया था ऐसे ही, जबकि वो हम बैक पेपर दिया कुछ भी नहीं दिया, उसका क्लियर भी नहीं किए थे वे लोग, वो गया IQ2 जाकर सर को, उसके पास सिर्फ क्या था, उसके पास रिजल्ट का फोटोकॉपी नहीं था प्रीवियस रिजल्ट का, सिर्फ उसे पता था मेरा नहीं था, फिर बनाकर उसको बैक पेपर देना ही पड़ा था, उसका सही नहीं हुआ था, समझ रहे हो ना। तो अपना रिजल्ट का हमेशा पीडीएफ बना के रखा रखे अपने पास, तो बहुत जाना यूज़ करता है कभी टाइम पर। ठीक है, तो सीओपी के बाद जितना डाउट था मैं सारा क्लियर कर दिया हूँ। अब बच्चों का स्टेज में उनका कॉपी रेट का जो डाउट है वो जल्दी मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा कब कॉपी आपका आ रहा है, वो भी कॉपी काफ़ी डिले कर दिया यार, पहली बार IQ2 इतना डिले कर रहा है, तो पेशेंस बनाए रखना, मैं बता दूंगा उसका भी वीडियो में। ठीक है, तो जितना भी डाउट है क्लियर हो गया होगा, जो भी डाउट है कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, इंस्टाग्राम पर मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ बच्चों का, थोड़ा टाइम लगता है यार, इसे मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।